हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ पिगमेंटेशन फेशियल। नाउ मैंने अपने चैनल पे कुछ टाइम पहले आप लोगों के साथ पोटैटो फेशियल शेयर किया था, नहीं देखा तो देख लेना, लिंक यहाँ पे आपको आई बटन पे मिल जाएगा ना। उस फेशियल को आप लोगों ने इतना पसंद किया, इतना पॉजिटिव फीडबैक दिया कि आई वॉज लाइक ओके नाउ नैन्सी बक्खल आप, बिकॉज अब आपको एक और वीडियो बनानी है जल्द से जल्द। अब जल्द से जल्द तो नहीं हो पाया, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए आ तो गए। तो आज मैं आपके साथ उसी का ही एक अपडेटेड और ज़्यादा इफेक्टिव वर्जन लेकर आई हूँ, जो कि है पिगमेंटेशन फेशियल। नो ये फेशियल क्या करेगा, अगर आपकी स्किन पे हो गई पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, अनइवन है, तो उस पर टारगेट करके आपकी स्किन को जो है इवन, टोन और क्लियर बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो एंड तक पूरा ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक और कॉमेंट ज़रूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पिगमेंटेशन फेशियल को ना बिना झिझक के जो है सारे स्किन टाइप वाले फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी फेशियल या क्लीनअप का फर्स्ट स्टेप होता है क्लेंजिंग। क्लेंजर बनाने के लिए आपको लेना है एक आलू, उसको आपको छील लेना है फॉर ऑब्वियस रीजंस। आलू को छीलने के बाद जो है आपको उसको कद्दू क्रश कर लेना है ना। अगर आप उसको कद्दू क्रश नहीं करना चाहते तो आप उसके छोटे छोटे पीसेस काट के जो है ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं ना। क्योंकि हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी आलू के जूस की, तो कद्दू क्रश करने के बाद जो है आप किसी भी स्ट्रेनर या कॉटन के कपड़े की हेल्प से जो है इसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लें। यहाँ हमारा 50% काम जो है हो गया। अब 1 टेबलस्पून पोटैटो जूस में आप डालें 1 टेबलस्पून ऑफ रोज वाटर यानी कि गुलाब जल, और फिर इसे जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। उसके बाद आप इसमें कोई भी कॉटन पैड या कॉटन राउंड डिप करके अपने फेस को जो है अच्छी तरीके से क्लीन करें। नगज हमारे इस पिगमेंटेशन फेशियल का जो स्टार है वो है पोटैटो। पोटैटो में पाया जाता है कैटेकलिस नाम का एंजाइम, जो हमें स्किन से डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और ब्लेमिशेस को रिमूव करके हमारी स्किन को क्लीन एंड क्लियर बनाता है। इस क्लेंजर में हमने रोज वाटर भी ऐड किया है। रोज वाटर हमारी स्किन की रेडनेस को रिमूव करके हमारी स्किन को मॉइस्चराइज और रिवाइटलाइज करता है। नाउ क्लेंजिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग। स्क्रब बनाने के लिए आपको लेना है 1 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा, 1 टेबलस्पून ऑफ पोटैटो जूस एंड 1 टेबलस्पून ऑफ कर्ड यानी कि दही। ना इन सारी चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और हमारा जो स्क्रब है वो रेडी है। अब गाइस, इसको जो है आप अपने पूरे फेस पर अप्लाई करें, अपनी अंडर आइज और अपने लिप्स को छोड़कर। ना पूरे फेस पर अप्लाई करने के बाद आप इसे जो है अपनी स्किन पर जेंटली स्क्रब करें। ना गाइस, अगर आप देखेंगे चावल का आटा जो है वो थोड़ा सा दरदरा होता है, तो वो हमारी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सफोलिएट करके हमारी स्किन के डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। ये वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट जो है माना जाता है हमारी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने में। और इसमें हमने कर्ड भी ऐड किया है। कर्ड की नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज हमारी स्किन के हाइपर पिगमेंटेशन और एक्ने मार्क्स को रिमूव करके हमारी स्किन को इवन टोन बनाती हैं। ना अच्छी तरीके से स्क्रब करने के बाद आप इसे जो है 5 to 10 minutes के लिए अपनी स्किन पर छोड़ दें। 5 to 10 minutes के बाद आप जो है नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लें और डिफरेंस आप देख सकते हैं स्क्रब को यूज़ करने के बाद। स्क्रबिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है फेस मास्क। फेस मास्क को बनाने के लिए आपको लेना है 1 टेबलस्पून ऑफ लिकोराइस रूट पाउडर और मुलेठी का पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ पोटैटो जूस एंड 1 टेबलस्पून ऑफ मिल्क। ना इन सारी चीज़ों को अगेन आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और पैक की कंसिस्टेंसी जो है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। ना इसे जो है आप ब्रश या फिंगर्स की हेल्प से अपने पूरे फेस पर अप्लाई करें, अपनी अंडर आइज और अपने लिप्स को छोड़कर। ना गाइस, इस फेस मास्क का जो स्टार इंग्रेडिएंट है वो है लिकोराइस रूट पाउडर यानी कि मुलेठी का पाउडर। ये जो इंग्रेडिएंट है ये हमारी स्किन से डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, एक्ने, पिंपल्स, डल स्किन सारी चीज़ों को रिमूव करके हमारी स्किन को जो है इवन टोन बनाता है, लाइटन करता है, ब्राइटन करता है। तो इस इंग्रेडिएंट को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा और पूरे फेस पर अप्लाई करने के बाद जो है आप इसे 10 to 20 minutes के लिए अपनी स्किन पर छोड़ दें। 10 to 20 minutes बाद जब ये सूख जाए तो आप नॉर्मल वाटर से अपनी स्किन को जो है वॉश कर लें। एंड गाइस, डिफरेंस आप देख सकते हैं। ऑनेस्टली मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो गई थी, ब्राइटन लग रही थी और एक बार में ही मुझे काफ़ी हद तक जो है डिफरेंस देखने को मिला। तो एक बार आप इस पिगमेंटेशन फेशियल को ज़रूर ट्राई करें। सो ये था मेरा आज का पिगमेंटेशन फेशियल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस, एक बार इस फेशियल को ज़रूर ट्राई करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जो है मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो वेरी मच। साथ में जो बेल बटन है उसको भी पक्का हिट कर देना। एंड यस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।